झारखंड विधानसभा चुनाव इसी साल नवंबर में होने वाले हैं और इसे लेकर राजनीतिक दलों ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू ने भी तय कर लिया है कि जदयू झारखंड विधानसभा चुनाव में अपने 11 उम्मीदवार मैदान में उतारेगा। बता दें, इसको लेकर नीतीश कुमार ने सरकारी आवास पर एक अड़े मार्ग में झारखंड के जदयू नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री के सामने झारखंड जदयू के नेताओं ने 11 उम्मीदवारों की लिस्ट सौंपी। दरअसल नीतीश कुमार के आवास पर शनिवार की सुबह झारखंड के जदयू के प्रमुख नेताओं की बैठक हुई, जिसमें झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई और चुनाव से जुड़ी हुई कई मसलों पर चर्चा हुई। बैठक खत्म होने के बाद झारखंड जदयू प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने जानकारी देते हुए झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में झारखंड विधानसभा चुनाव में 11 सीटों पर चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम की सूची मुख्यमंत्री के सामने झारखंड प्रदेश नेतृत्व की तरफ से रख दिया गया है। खीरू महतो ने इसके साथ ही कहा कि आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में जदयू किसके साथ गठबंधन में चुनाव मैदान में उतर जाएगा, इसका फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही करेंगे। उन्होंने बताया कि सीटों की संख्या कितनी होगी, कितने उम्मीदवार इस चुनाव में पार्टी की ओर से जाएंगे, ये गठबंधन दलों की बैठक के बाद तय किया जाएगा। ऐसे में पार्टी ने अपनी तरफ से 81 सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रखी है। खीरू महतो ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कुर्मी समाज के 13 संगठनों ने आज अपनी विशेष मांग रखी है, जिसमें कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने की मांग भी है। वहीं खीरू महतो ने झारखंड के वरिष्ठ नेता निर्दलीय विधायक सरयू राय से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात पर कहा कि निर्दलीय विधायक सरयू राय को झारखंड का जदयू नेतृत्व संगठन में आने का निमंत्रण देता है। सरयू राय अगर जदयू में आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर जदयू की बैठक के बाद मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि जेडीयू झारखंड में महागठबंधन के तहत चुनाव लड़ेगी। निश्चित तौर पर कई मामलों पर विचार हुआ है और अगर सीटों की बात है तो गठबंधन में इस बात का फैसला होगा, जिसका पता है आने वाले दिनों में चल जाएगा गठबंधन किन किन दलों से होगा। लेकिन चुनाव को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसका काफी अच्छा नतीजा निकला है।